परिचय। बच्चों, आज हम पुष्पी पादपों की शारीरिकी के बारे में जानेंगे। सर, पुष्पी पादप क्या होते हैं? बच्चों, ये बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म आदि। हमें पुष्पी पादप कहाँ मिल सकते हैं सर? पृथ्वी पर पादपों का ये सबसे प्रचुर और व्यापक समूह है। पुष्पी पादक अनेक आवासों में रेगिस्तान से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं, और इनमें पेड़, झाड़ी और शाख शामिल हैं। कोई मुझे पुष्पी पादप का उदाहरण दे सकता है? सर, लिली, ट्यूलिप, क्रॉक्स इत्यादि इसके उदाहरण हैं। शाबाश रमेश, तुमने एकदम सही बताया। इस पाठ में आप पुष्पी पादप की शारीरिकी के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मेरिस्टमी और स्थायी ऊतक का वर्णन करना, ऊतक तंत्र की व्याख्या करना, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधों की शारीरिकी की व्याख्या करना, द्वितीयक वृद्धि की चर्चा करना। ऊतक। शारीरिकी में पादप अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक समान उद्भव और कार्य वाली समान या असमान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतकों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, मेरिस्टमी ऊतक यानी विभज्य योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। मेरिस्टमी ऊतक अनिश्चित काल तक विभाजन करने में सक्षम तथा समान कोशिकाओं या निश्चित ऊतक उत्पन्न करने के लिए विभेदन करने वाली कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाली छोटी कोशिकाओं से बने पादप ऊतक मेरिस्टमी ऊतक यानी विभज्य योतिकी ऊतक कहलाते हैं। मेरिस्टेम, जो जड़ तथा तने के वृद्धि करते बिंदुओं के शीर्ष पर होता है, शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहलाता है। ये लगातार विभाजन करता है, जिससे प्रारोह तथा जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। कलिका, जो पत्ती के कक्ष से निकलती है तथा शाखा, प्रारोह या पुष्प में विकसित होने की क्षमता होती है, कक्षीय कलिका कहलाती है। मेरिस्टमी ऊतक अंतर्वेशी मेरिस्टम, यह शीर्षस्थ मेरिस्टेम से अलग उपस्थित होता है। ये पर्व के आधार पर उपस्थित होता है, उदाहरण के लिए घास और गेहूं में या पत्ती के आधार पर। प्राथमिक मेरिस्टेम मेरिस्टमी कोशिकाएं जो प्रो मेरिस्टेम से उत्पन्न होती हैं प्राथमिक मेरिस्टेम हैं। शीर्ष मेरिस्टेम और अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों प्राथमिक मेरिस्टेम हैं। द्वितीयक मेरिस्टेम या पार्श्वीय मेरिस्टेम, ये प्राथमिक स्थायी ऊतक से विकसित मेरिस्टेम हैं। ये किसी अंग के निर्माण की शुरुआत से उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि बाद में विकसित होते हैं और द्वितीयक स्थायी ऊतक बनाते हैं, उदाहरण के लिए जड़ों के कैम्बियम। स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक का निर्माण मेरिस्टमी ऊतक में विभाजन या विभेदन के कारण होता है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित या मृत, पतली भित्ति या मोटी भित्ति वाली हो सकती हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। साधारण ऊतक। सरल ऊतक प्रकृति में सजातीय होते हैं और संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं के बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और
स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित मोटी भित्ति वाली होती हैं। इनमें स्पष्ट केंद्रक होते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है। कोशिकाओं में थोड़ा या ज्यादा अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। कोशिकाएं प्रायः समव्यासी होती हैं, लेकिन लंबाकार, गोलाकार और बहुभुजीय भी हो सकती हैं। कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली जीवित लंबाकार कोशिकाएं हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है। भित्ति की मोटाई एक समान नहीं होती है। भित्तियों पर प्रायः साधारण गर्त होते हैं। कभी कभी कोलेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ये यांत्रिक तथा जैव प्रकार के दोनों कार्य करती हैं। कोलेनकाइमा तनन सामर्थ्य प्रदान करती हैं, जिससे वृद्धि कर रहे अंगों को लचीलापन और सहारा मिलता है। क्लोरोप्लास्ट युक्त कोलेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक बहुत कठोर मोटी भित्तियों वाली कोशिकाओं के बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, इसलिए परिपक्वता पर कोशिका का बाह्य कोशिकीय वातावरण से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है और कोशिका मृत हो जाती है। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, तंतुमयी और स्क्लेरेट। स्क्लेरेनकाइमा के प्रकार। तंतुमयी कोशिकाएं लंबी संकीर्ण होती हैं तथा दोनों सिरों पर नुकीली एवं लिग्नीभूत मोटी भित्ति होती है। कोशिका भित्ति में साधारण या परिवेशित गर्त होते हैं। स्क्लेरेट कोशिकाएं आकार में अनियमित होती हैं। कोशिका भित्ति मोटी, कठोर और लिग्नीभूत होती हैं, जो गुहिका को बहुत छोटा कर देती है। साधारण गर्त मोटी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं और आसन कोशिकाओं को जोड़ते हैं। जटिल ऊतक। जटिल ऊतक सजीव एवं निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जो अलग अलग कार्य करती हैं। जटिल ऊतक एकल इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जटिल ऊतक संवहन ऊतक भी कहलाते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम। जाइलम एक संवहन ऊतक है, जो जड़ों से जल तथा पोषक पदार्थों को प्रारोह एवं पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जाइलम एक चालन ऊतक है और चार विभिन्न प्रकार के तत्वों का बना होता है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम के प्रकार। वाहिनिकाएं। एकल वाहिनिकी अत्यधिक लंबी या नलिकाकार कोशिका है, जिसमें कठोर, मोटी और लिग्नीभूत भित्ति और एक बड़ी गुहा होती है। वाहिनिकाएं जड़ों से जल, हार्मोन एवं विलय का परिवहन तने, पत्तियों और पुष्पी भागों तक करते हैं। ये पादप काय को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। वाहिकाएं। वाहिका एक लंबी बेलनाकार नलिकाकार संरचना है, जिसमें लिग्नीभूत भित्ति और एक बड़ी केंद्र गुहिका होती है। कोशिकाएं मृत एवं जीव द्रव्य रहित होती हैं। छिद्रण प्लेटों की उपस्थिति के कारण
ये वाहिनिकाएं की तुलना में जल और खनिज पदार्थों का परिवहन अधिक दक्षता से करती हैं। ये पादप काय को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं। जाइलम के प्रकार। जाइलम तंतु। जाइलम तंतु लंबी, संकीर्ण, मोटी और लिग्निभूत कोशिकाएं हैं। ये प्रायः दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। जाइलम तंतु मृत कोशिकाएं हैं। जाइलम तंतु जाइलम और पादपकाय को पूरी तरह से यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम में पाई जाने वाली पेरेन्काइमा कोशिकाएं सजीव और समव्यासी होती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाएं अधिकतर प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाएं भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं और ऊपर की ओर जल के संवहन में सहायता करती हैं। प्राथमिक जाइलम। जड़ और प्रारोह शीर्ष के प्रोकैम्बियम से प्राथमिक वृद्धि के दौरान निर्मित जाइलम प्राथमिक जाइलम कहलाता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम को प्रोटोजाइलम यानी आदितारु कहते हैं और ये विकृत हो जाता है क्योंकि आसपास के ऊतक लंबे हो जाते हैं। जाइलम जो अंत में निर्मित होता है मेटाजाइलम कहलाता है। फ्लोएम। फ्लोएम भी जाइलम के समान संवहन ऊतक है जो कार्बनिक पदार्थों के संवहन के लिए जिम्मेदार है। प्रोकैम्बियम से निर्मित फ्लोएम प्राथमिक फ्लोएम कहलाता है और जो संवहन कैम्बियम से बनता है द्वितीयक फ्लोएम कहलाता है। फ्लोएम चार तत्वों का बना होता है, चालनी नलिका तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। फ्लोएम के प्रकार। चालिनी नलिका तत्व। चालिनी नलिकाएं नलिका जैसी संरचनाएं हैं जो लंबाकार कोशिकाओं की बनी होती हैं। लंबवत श्रेणियों में व्यवस्थित और सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। इनकी भित्ति पतली और सेल्युलोज की बनी होती है। परिपक्व चालिनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है लेकिन परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी उपस्थित होती है। चालिनी नलिका का मुख्य कार्य पत्तियों से तैयार खाद्य पदार्थों का नीचे की ओर संचयन अंगों तक और उसके बाद ऊपर की ओर विकसित होते क्षेत्रों तक परिवहन है। फ्लोएम के प्रकार। सहचर कोशिकाएं। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पेरेन्काइमी कोशिकाएं हैं। सघन साइटोप्लाज्म और सुस्पष्ट केंद्रक इनकी विशेषता है और ये एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में निकटवर्ती चालिनी नलिका तत्व के साथ सटी रहती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिकाएं सजीव पेरेन्काइमी कोशिकाएं हैं जो आकार में बेलनाकार, उपगोलाकार या बहुफलकीय हो सकती हैं। कोशिकाओं में सघन साइटोप्लाज्म और केंद्रक होता है तथा कोशिका भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है। फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु अत्यधिक लंबे, अशाखित तथा नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सरल परिवेशित गर्त के साथ काफी मोटी होती है। परिपक्व होने पर ये तंतु अपना जीव द्रव्य नष्ट करके मृत हो जाते हैं। ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र की निम्नलिखित तीन श्रेणियों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण या मौलिक ऊतक तंत्र, संवहनी ऊतक तंत्र।
बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचा पादपकाय का सबसे बाहरी आवरण है जो बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में होता है। ये लंबी एक दूसरे से सटी कोशिकाओं का बना होता है जो बिना किसी अंतराकोशिकीय अवकाश के एक अखंड सतह बनाती हैं। बाह्य त्वचा की बाहरी भित्ति मोटी होती है और प्रायः बाह्य त्वचीय कोशिकाओं में स्रावित किए जाने वाले मोमीय पदार्थ के निक्षेपण द्वारा निर्मित क्यूटिकल द्वारा ढकी होती हैं। मरुदीभद पौधों में म्यूटिकल सबसे मोटी होती है। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। रंध्र बहुत छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे के हरे वायवीय भागों विशेष रूप से पत्तियों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र का छिद्र द्वार कोशिकाएं कहलाने वाली दो सेम के आकार की कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है। द्वार कोशिकाएं सजीव होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। भीतरी भित्ति बाह्य भित्ति से अधिक मोटी होती है। द्वार कोशिकाएं रंध्र छिद्रों के खुलने और बंद होने के क्रम को नियमित करती हैं। अधिकतर पौधों की बाह्य त्वचा में त्वचा रोम या रोम कहलाने वाली अतिवृद्धियां होती हैं जो अपने आकार, संरचना और कार्य में स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। त्वचा रोम अत्यधिक जल की हानि को रोकते हैं। त्वचा रोम बीजों एवं फलों के संरक्षण प्राकीर्णन में सहायता करते हैं। जड़ों की बाह्य त्वचा में मूल रोम विशिष्ट क्षेत्र मूल रोम क्षेत्र में होते हैं। ये मृदा से जल और खनिज विलयन का अवशोषण करने के अतिरिक्त पादप काय को मृदा में स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र पादप काय का मुख्य आकार बनाते हैं। इसमें बाह्य त्वचा और संवहन बंडल को छोड़कर सभी ऊतक शामिल हैं। इस ऊतक तंत्र का प्राथमिक कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रहण और निर्माण है। एक बीजपत्री तने में भरण ऊतक वलकुट, परिरंभ और पित्त में विभेदित नहीं होता है। द्विबीजपत्री तने, द्विबीजपत्री जड़ों और एक बीजपत्री जड़ों में भरण ऊतक वलकुट, परिरंभ और मज्जा या पित्त का बना होता है। संवहनी ऊतक तंत्र। अक्ष का केंद्रीय स्तंभ अर्थात जड़ और तना रंभ कहलाता है जो अनेक संवहन बंडलों का बना होता है जो संवहनी ऊतक तंत्र बनाते हैं। संवहन बंडल में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम भी होते हैं। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम उपस्थित है तो इसे खुला संवहन बंडल कहा जाता है। उदाहरण द्विबीजपत्री। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं है तो इसे बंद संवहन बंडल कहा जाता है। उदाहरण एकबीजपत्री। संवहनी ऊतक तंत्र। जाइलम और फ्लोएम के विन्यास के अनुसार संवहन बंडल दो प्रकार के होते हैं, अरीय और संयुक्त। जब जाइलम और फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं तब ऐसे संवहन बंडलों को अरीय कहते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम समान त्रिज्याओं पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के संवहन बंडल संयुक्त संवहन बंडल कहलाते हैं। द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री पौधों की शारीरिकी। द्विबीजपत्री मूल बाह्य त्वचा, ये सबसे बाहरी परत है। वलकुट, इसमें पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं के कई परतें होती हैं। इनके बीच में अत्यधिक अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतस्त्वचा,
वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा है, जो पूरी तरह से रंभ द्वारा घिरी होती है। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरी पट्टियां कहलाने वाला विशिष्ट स्थूलन होता है। परिरंभ, ये मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं की बनी होती है। संवहन बंडल, ये सदैव एक घेरे में व्यवस्थित और अरिये होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम भिन्न त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। प्रोटोजाइलम सदैव केंद्र से दूर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित होते हैं। जाइलम की इस दशा को बाह्य आदितारु कहते हैं। कंजंक्टिव ऊतक, जाइलम और फ्लोएम बंडलों के बीच स्थित पैरेन्काइमा कंजंक्टिव ऊतक बनाती है। पिथ, ये जड़ के केंद्र में एक छोटा क्षेत्र घेरता है और पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना होता है। एक बीजपत्री मूल, बाह्य त्वचा, ये मूल की सबसे बाहरी परत है जिस पर अनेक रोम होते हैं। वल्कुट, बाह्य त्वचा के नीचे बहुस्तरीय पैरेन्काइमी ऊतक उपस्थित होता है, जिसमें अंतरा कोशिकीय स्थान होता है और ये वल्कुट है। अंतस्त्वचा, वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा है। अंतस्त्वचीय कोशिकाएं पीपाकार होती हैं, जिनमें कैस्परी पट्टियां बिल्कुल नहीं होती और भित्ति मोटी होती है। परिरंभ, यह एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है और पैरेन्काइमा का बना होता है। संवहन बंडल, संवहन बंडल बहु आदितारुक, अरिये और बाह्य आदितारुक होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होती है। कंजंक्टिव ऊतक, जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना होता है। पिथ, ये बड़ी होती है तथा दूर दूर स्थित पैरेन्काइमी कोशिकाओं की बनी होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च कण होते हैं। द्विबीजपत्री तना, अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी परत है। ये कोशिकाओं की एकल परत की बनी होती है और क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है। बाह्य त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम और रंध्र पाए जाते हैं। वल्कुट, इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अधस्त्वचा, ये बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती है। सामान्य वल्कुट, ये अधस्त्वचा के भीतर स्थित होता है और मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं की कुछ परतों का बना होता है। वल्कुट का मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण है। अंतस्त्वचा, ये वल्कुट की सबसे भीतरी परत है। परिरंभ, परिरंभ पैरेन्काइमी और स्क्लेरेन्काइमी दोनों कोशिकाओं की बनी एक विषम परत है। ये अंतस्त्वचा और संवहन बंडलों के बीच स्थित होती है। संवहन बंडल, ये अंतस्त्वचा के भीतर एक घेरे में व्यवस्थित होते हैं। मज्जा किरणें, कुछ परतें या दो संवहन बंडलों के बीच स्थित बड़ी बहुभुजीय कोशिकाएं मज्जा किरणें होती हैं। पिथ, ये कोशिकाएं खाद्य पदार्थों तथा जल का संचय करती हैं। एक बीजपत्री तना, बाह्य त्वचा, यह मोटी क्यूटिकल वाली सबसे बाहरी एकल परत है। बहुकोशिकीय रोम अनुपस्थित होते हैं। अधस्त्वचा, ये स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं की बनी होती है। प्रायः दो तीन परत मोटी होती है और बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। भरण ऊतक, अधस्त्वचा के नीचे पैरेन्काइमी कोशिकाओं का संपूर्ण द्रव्यमान भरण ऊतक बनाता है। भरण ऊतक में
संवहन बंडल बिखरे रहते हैं। संवहन बंडल, प्रत्येक संवहन बंडल पैरेन्काइमी होता है और बंडल आच्छद कहलाने वाले स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं के आच्छद से घिरा होता है। ये आच्छद संवहन बंडलों के ऊपरी और निचले भागों पर अत्यधिक विकसित होती है। संवहन बंडल संयुक्त, बाह्य फ्लोएमी, मध्याधिदारुक और बंद होते हैं। पिथ और रंभ, एक बीजपत्री में एटेक्टोस्टील पाई जाती है। ये अत्यधिक विकसित रंभ है। एक बीजपत्री तनों में एक समान पिथ उपस्थित होती है। पृष्ठाधार, द्विबीजपत्री पत्ती। ऊपरी बाह्य त्वचा, ये एक दूसरे से जुड़ी एक समान स्तरीय पैरेन्काइमेटी कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी परत है। कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पर क्यूटिकल होती है। रंध्र और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। निचली बाह्य त्वचा, ये पतली क्यूटिकल वाली पैरेन्काइमेटी कोशिकाओं की एक एकल परत है और इनमें अनेक रंध्र होते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल द्वार कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। निचली बाह्य त्वचा गैसों के विनिमय में सहायता करती है। इस कक्ष के माध्यम से जल वाष्प की हानि होती है। पृष्ठाधार पत्ती यानी द्विबीजपत्री। पर्ण मध्योतक, ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित ऊतक पर्ण मध्योतक कहलाते हैं। ये दो क्षेत्रों में विभाजित हैं। खंभ ऊतक, कोशिकाएं लंबी होती हैं और ऊपरी बाह्य त्वचा के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होता है और वे प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा, ये खंभ ऊतक के नीचे पाई जाती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं लगभग गोलाकार या अंडाकार होती हैं तथा अनियमित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और अंतराकोशिकीय अवकाश भी होता है। अंतराकोशिकीय अवकाश गैसों के विसरण में सहायता करता है। संवहन बंडल, संवहन बंडल बाह्य फ्लोएमी और बंद होते हैं। ये स्पंजी पैरेन्काइमा में बिखरे रहते हैं। मध्य शिरा के संवहन बंडल सबसे बड़े होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर पैरेन्काइमी कोशिकाओं को एक आच्छद उपस्थित होता है जो बंडल आच्छद कहलाता है। समद्विपार्श्व, एक बीज पत्री पत्ती। बाह्य त्वचा, ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पैरेन्काइमी कोशिकाओं की बनी होती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा दोनों पर रंध्र उपस्थित होते हैं। द्वार कोशिकाएं बाह्य त्वचीय कोशिकाएं हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ऊपरी बाह्य त्वचा में कुछ बड़ी कोशिकाएं समूहों में पाई जाती हैं जो आवर्त कोशिकाएं कहलाती हैं। पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक खंभ और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं होता है। ये कोशिकाएं लगभग गोलाकार होती हैं और छोटे अंतराकोशिकीय अवकाश को घेरती हैं तथा अनियमित ढंग से व्यवस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। संवहन बंडल, कुछ संवहन बंडल छोटे और कुछ बड़े होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर पैरेन्काइमी कोशिकाओं की आच्छद उपस्थित होती है। संवहन बंडल संयुक्त, बाह्य फ्लोएमी और बंद होते हैं। द्वितीयक वृद्धि, सक्रियता या पार्श्वीय मेरिस्टेम से द्वितीय ऊतक के निर्माण द्वारा पौधे के अक्ष की परिधि में होने वाली वृद्धि द्वितीयक वृद्धि है।
द्वितीयक ऊतक दो प्रकार के होते हैं, संवहन कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। संवहन कैम्बियम। संवहन कैम्बियम एक पार्श्वीय मेरिस्टेम है जो द्वितीयक ऊतक बनाता है और जाइलम एवं फ्लोएम के बीच स्थित होता है। कैम्बियमी छल्ले का बनना। द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल संयुक्त बहिफ्लोएमी और खुले होते हैं और एक छल्ले में व्यवस्थित होते हैं। संवहन बंडलों में जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित कैम्बियम पूलीय या अंतःपूलीय कैम्बियम कहलाता है। मज्जा किरणों की कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमी हो जाती हैं और वे अंतरापूलीय कैम्बियम कहलाती हैं। ये दोनों कैम्बियम एक साथ मिलकर संवहन कैम्बियम या इंट्रास्टेलर कैम्बियम का पूर्ण छल्ला बनाते हैं। कैम्बियम छल्ले की क्रिया। संवहन कैम्बियम का छल्ला बाहरी और भीतरी दोनों तरफ की कोशिकाओं को काटता है। बाहरी कटी कोशिकाएं द्वितीयक फ्लोएम हैं और भीतरी कटी कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम हैं। कटी हुई द्वितीयक जाइलम की मात्रा द्वितीयक फ्लोएम से अधिक होती है और इस प्रकार द्वितीयक ऊतक के निर्माण के साथ घेरे या व्यास में वृद्धि होती है जो द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। कैम्बियम कोशिकाएं आयताकार पतली भित्ति वाली जीव द्रव्य से पूर्ण और मेरिस्टेमी क्रियाशीलता वाली होती हैं। द्वितीयक ऊतक में वृद्धि के साथ साथ प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम दब जाते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम नहीं बनाता है बल्कि जाइलम और फ्लोएम के बजाय पैरेन्काइमी कोशिकाओं को बनाता है। इस प्रकार ये कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम से द्वितीयक फ्लोएम तक अखंड पट्टियां बनाती हैं और द्वितीयक मज्जा किरणें कहलाती हैं। बसंत दारु तथा शरद दारु। बसंत ऋतु में कैम्बियम की सक्रियता अधिक हो जाती है और इस कारण काष्ठ तत्व चौड़ी गुहिका के साथ आकार में बड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मात्रा अधिक होती है और बसंत के मौसम में निर्मित द्वितीयक जाइलम या काष्ठ बसंत दारु कहलाती है। शरद ऋतु में कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है और काष्ठ तत्व संकरी गुहिका के साथ आकार में छोटे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये मात्रा में कम हो जाता है और शरद ऋतु में निर्मित काष्ठ को शरद अथवा पश्चदारु कहते हैं। बसंत दारु और शरद दारु वार्षिक वलय बनाते हैं। वृद्ध दारु तथा रसदारु। काष्ठीय पेड़ों में तने के केंद्रीय भाग का रंग गहरा होता है। ये भाग रेजिन टेनिन गोंद के निक्षेपण और टाइलोसिस के निर्माण के कारण कठोर और सख्त हो जाता है। ये केंद्रीय कठोर सख्त और गहरा भाग हृदारु बनाता है। वाहिकाओं में टाइलोसिस के निर्माण के कारण हृदारु के संवहन कार्य बंद हो जाते हैं और इसलिए हृदारु यांत्रिक रूप से कार्य करती है। हृदारु का उपयोग प्रायः फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तने का बाहरी भाग हल्के रंग का और मुलायम होता है जो जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है और ये रसदारु कहलाता है। इस काष्ठ का उपयोग पल्पवुड टूल हैंडल्स आदि बनाने में किया जाता है। कार्क कैम्बियम। कुछ काष्ठीय पौधों में रंभ के बाहरी भाग में नए ऊतकों के निर्माण द्वारा उनके अक्ष की परिधि में भी वृद्धि होती है। ये नए ऊतक परिचर्म कहलाते हैं।
परिचर्म तीन ऊतकों की बनी होती है। कागजन, ये मेरिस्टेमी कोशिकाओं की एकल परत का बना होता है। ये द्वितीयक पार्श्वीय मेरिस्टेम भी कहलाता है, जो अधस त्वचा या बाह्य वल्कुट की स्थायी सजीव कोशिकाओं से उत्पन्न हो सकता है। कोशिकाएं आयताकार और अरिये ढंग से चपटी दिखती हैं। काग, ये कोशिकाएं बाहर की ओर की कागजन कोशिकाओं के स्पर्श रेखीय और परिणतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं और प्रारंभ में इनमें पतली सेल्यूलोस की भित्तियां होती हैं। जब वे परिपक्व हो जाती हैं तो धीरे धीरे सजीव पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और कोशिकाएं अरिये, ऊर्ध्वाधर या स्पर्श रेखीय रूप से लंबी हो जाती हैं। सुबेरिन कहलाने वाले वसीय पदार्थ के विकसित होने के कारण कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। सुबेरिन जल के लिए अभेद्य है। कागस्तर, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की परतें कागजन के अंदर की ओर बढ़कर कागस्तर बनाती हैं। इस परत की कोशिकाएं सजीव होती हैं और इनमें सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है। ये द्वितीयक वल्कुट भी कहलाता है। कुछ प्रजातियों की इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च भी हो सकता है। छाल वल्क, संवहन कैम्बियम के बाहर की तरफ के सभी ऊतक छाल वल्क बनाते हैं। छाल वल्क के दो भाग होते हैं, बाहरी छाल वल्क, कार्क कैम्बियम के बाहर की तरफ स्थित सभी ऊतक बाहरी छाल वल्क कहलाते हैं। भीतरी छाल वल्क, कार्क कैम्बियम और संवहन कैम्बियम के बीच वाला क्षेत्र भीतरी छाल वल्क कहलाता है। वात रंध्र छाल वल्क में बने छिद्र होते हैं, जिनसे होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक वात रंध्र में कार्क कैम्बियम कार्क कोशिकाएं उत्पन्न न करके अनियमित पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है, जो अत्यधिक अंतराकोशिकीय अवकाश के साथ दूर दूर व्यवस्थित होती हैं। ये ढेर पूरक कोशिकाएं कहलाता है। जड़ों में द्वितीयक वृद्धि, पौधों के वृद्धि करते वायवीय भागों को शक्ति प्रदान करने और जल एवं खनिज पदार्थों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जड़ों में द्वितीयक वृद्धि महत्वपूर्ण है। एक बीज पत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। ये संवहन कैम्बियम और कार्क कैम्बियम की सक्रियता के कारण होती है। क्या आप जानते हैं एडल्ट स्टेम सेल डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार? इस वर्ष चिकित्सा के लिए ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिकों को उनकी खोज कि वयस्क कोशिकाओं को पुनः भ्रूण जैसी स्टेम कोशिकाओं के रूपांतरित किया जा सकता है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कैम्ब्रिज स्थित गर्डान संस्थान के जॉन गर्डान और क्योटो विश्वविद्यालय की सीनिया यामनाका ने उस ऊतक को बनाने के तरीकों की खोज की जो भ्रूण से कोशिकाओं को एकत्र करने की आवश्यकता के बिना ही भ्रूणीय कोशिकाओं की तरह कार्य करेगा। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली समान या असमान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टमी और स्थायी। सरल ऊतक प्रकृति में समजातीय होते हैं और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं के बने होते हैं। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक सजीव और निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जटिल ऊतक
दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ऊतक तंत्र की तीन श्रेणियां हैं जो बाह्य त्वचीय, भरण और संवहन ऊतक तंत्र हैं। सक्रियता या पार्श्वीय मेरिस्टेम से द्वितीयक ऊतक के निर्माण द्वारा पौधे के अक्ष की परिधि में होने वाली वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। बसंत में कैम्बियम की सक्रियता अधिक होती है और शरद ऋतु में कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। बसंत दारु और शरद दारु वार्षिक वलय बनाते हैं। संवहन कैम्बियम के बाहर स्थित सभी ऊतक छाल वल्क बनाते हैं।